PHI पैरामेडिक्स का इजलास तले सदर इमरान भट्ट की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी, चेयरमैन रोजे खान तरीन और सीनियर नायब सदर अब्दुल मनान के अलावा कसीर तादाद में दीगर अहदेदारान की शिरकत हुई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी, चेयरमैन रोजे खान तरीन और सीनियर नायब सदर अब्दुल मनान के अलावा कसीर तादाद में दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की शुरुआत कलाम पाक से की गई, जिसके बाद जिले सदर मोहम्मद इमरान ने इजलास से खिताब करते हुए सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि 15 साल से मुलाजमीन महकमा हेल्थ में दूर दराज इलाकों में आवाम को सेहत की फराहमी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ना इनको सरकारी मुलाजिम तस्वर किया जाता है, ना इनके सर्विस बुक वगैरह बनते हैं, जब चाहे इनको मुलाजमत से फारग किया जाता है। 15 साल सर्विस करने के बाद अब मुलाजमीन ओवर एज हो गए हैं, उम्र की बलाई हद पूरा होने की वजह से दोबारा महकमा सेहत या किसी दूसरे महकमे में किसी भी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करा सकते। लिहाजा 15 साल कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए और असम्बली में बिल पास होने के तहत फिलफौर मुलाजमीन को मुस्तकिल करके महकमा सेहत में जम किया जाए और जल्द अज जल्द मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि PPHI मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा मुमकिन हो सके। रिपोर्ट कर रहे थे NICA ग्रेट न्यूज़ के रिपोर्टर नजीबुल्ला शाह।